नमस्कार दिन तमाम खबर सहित अर्गो सुपरफास्ट को स्वागत करप्ना आरंभ करवा खबर अभियान पारा ओलंपिक इतिहास रे जोड़ी है नुआ अध्याय सोमवार भारत पर स्वर्णिम दिन टोकियो पारा ओलंपिक रे आज भारत को मिली आउ पांच पदक प्रथम थर पर 10 मीटर एयार राइफल रे स्वर्ण जीति 19 वर्षीय अग्नि लखेरा पारा ओलंपिक रे स्वर्ण पदक जितबार अग्नि देशर प्रथम महिला सेहिपरी सुमित अंटिल जावलिन थ्रो रे भारत को देखते स्वर्ण 68.56 मीटर विश्व रेकर्ड सह देश स्वर्ण आनी सुमित अंटिल सेहिपरी डिस्कस थ्रो रे भारत को मिली सफलता भारत पर रौप्य पदक जीति जोगेश खटुनिया सेहिपरी जावलिन थ्रो रे भारत को मिली 2टी पदक भारत पर पदक जीति देवेन्द्र झाजरिया और सुंदर सिंह देवेन्द्र को रौप्य पदक मिलता बेले सुंदर ब्रोंज पदक हासिल कर यहसह टोकियो पारा ओलंपिक रे भारतर पदक संख्या 7 रे पहुंचिछि। बढ़कर और कोई खुशी हो ही नहीं सकती कि हमारी पोती अब नहीं लेखरा ने ओलंपिक में गोल्ड जीता है और ये इसकी मेहनत का मतलब फल इसको मिला है, इसे बहुत ही खुशी है। बहुत खुशी हो रही है, बहुत खुशी हो रही है, गर्व हो रहा है मेरे को डब्बू के ऊपर। आप नहीं लेकर रहा तो जन्माष्टमी का गिफ्ट दे दिया आपको उन्होंने है? और क्या, हाँ बहुत खुशी की बात है और आगे बढ़े कि लाइक मैच रिजल्ट चाहे जो भी हो हम तुम्हारे साथ हैं, यही करना चाहूंगा। गुरुतर भावे आहत होता रोगी को चिकित्सा पर नहीं जाता बेले आंबुलांस आक्रमण पुरी सदर ब्लॉक अंतर्गत गईटोल गांव में पूर्व शत्रुता को नहीं दुई गोष्ठी मध्य संघर्ष लगी गांवर दुईज गुरुतर आहत को आंबुलांस जोगे पुरी अभिमुखे नहीं जाता समय उक्त ग्रामर किसी असामाजिक व्यक्ति आंबुलांस को टेका पथर फिंगा सह तीव्र आक्रमण कर नहीं पुरी सदर थाना लिखित अभियोग उक्त ग्राम रे शांति श्रृंखला बजाय रखिबा पई पुरी सदर पुलिस उपस्थित थिबा बळे पुलिस सम्मुखरे आंबुलांस कर्मचारी समेत आंबुलांस को आक्रमण करिछंति दुर्बृत्त सेबडे परिस्थिति को नियंत्रण करिबा निमन्ते पुरी सदर पुलिस पक्षरु व्यापक व्यवस्था करा जायतिबा सूचना मिलिछि। कांग्रेस कंदल रे पडिला प्याच मूड बदलाइले कांग्रेस विधायक ताराप्रसाद बाहिरीपति निरंजन मो बड़ भाई मुतांक सान भाई गतकाली कांग्रेस प्रभारी चेला कुमारंक सहित लंबा समय धरी आलोचना होइथिला। आज पीसीसी सभापति निरंजन पटनायक सह आलोचना होइछि आम भितर जहां मनांतर थिला दूर हो जाइछि आगक दल एकाठी होइ आगक बढ़िबो जो कथा मु कहथिलि जे अयोग्य सभापति कथा कहथिलि जे निरंजन बाबू गोटे कांग्रेस दल मुखिया मुखिया एवं मीनाक्षी बाहनपति हूँ कोरापुर दल मुखिया ये जो कथी बोल कर जो कथा कही अयोग्य कथा कही कह चाहे निरंजन पटनायक हूँ बड़ भाई मुझे सान भाई आगु ऑयल टैंकर रे गंजे चलाण 850 केजी गंजे जबत कराजिबा सह दुई अभियुक्त को गिरफ्त करा जाइछि। नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो रो चढ़ाउ समय रे एही गंजे जबत करा जाइछि। संबलपुर ऐंठापाली छकरु एनसीबी गंजे जबत करिछि। दुई अभियुक्त पश्चिम बंगर अधिक तदंत पई तनाघना जारी रखिछि पुलिस। दीर्घ 11 मास पर 22 पहाचरा मरामती कार्य आरंभ होइछि। 2020 मसीहा अक्टोबर 27 तारीख रे 22 पहाचर जांच होता एएसआई चारिजणिया टीम स्थिति अनुध्यान करते 22 पहाचर पानी पशि पुरातन पत्थर संजोग स्थल में फांक सृष्टि होता एथसत अनेक पत्थर दुर्बल स्थित रही प्रति पहाचर मापचुप करने पत्थरगुड़िकर जांच करने स्थित नजर को आसला खराब पत्थर थे बदला जावा नहीं एएसआई पक्षर रिपोर्ट दि जा यह मरामती काम एसआई प्राय 25 जन ठिका कर्मचारी नियोजित होती पथर फांक स्थल को चून बाली इत्या गुंड सीमेंट और सम परिमाण पथर गुंड को इप्सी 18 प्रस्तुत करा जाई जॉइंट सिलिंग करा जाउछि। सेप्टेम्बर शेष सुधा काम सर एएसआई पक्षर सूचना दि जा कटक कंदरपुर हत्याकांड कंदरपुर कॉलेज पूर्वतन अध्यक्ष सुदर्शन शतपथी
भुजाली हाणी निर्मम हत्या। गुरुतर अवस्था सुदर्शन को एसीबी मेडिकल भर्ती करा तबे सेठारे डाक्टर तांकु मृत घोषणा करछन्ति। टंका मागिबाकु नहि एही हत्याकांड घटिथिबा सूचना मिलिछि। अभियुक्त स्थानीय सिद्धेश्वरपुर पान दोकानी अर्जुनी जेना बोली जना पड़िथिबा बेले पुलिस पक्षरु ताकु गिरफ करा जायथिबा सूचना मिलिछि। मानसदास संगठन फिटुची गोटे पर गोटे गुमर सनातन विश्वास विरोधी भंड गुरुजी अत्याचारित हो गांव तड़ा खाई बाहर रोचान्ति अनेक परिवार। रमेश नायक साधु नायक डंबरू प्रधान जोगी प्रधान सर्वेश्वर प्रधान एवं भीम प्रधान परिवार संगठन नियम रही महिला माने काच सिंदूर लगे ठाकुर को मानवे रीतनीति बाहा हेबा मना जीए मल्ले सुधी हेनी एपरिकी ग्राम देवी बोदा रक्त अईंठा पकाउथुबा और गां ठाकुरानी को पूजा करने को मना करुथले बोली अभियोग आनिछंती पीड़ित परिवार। ए संगठन से मुख्य लीडर को सी अरेस्ट करा देउ आमे आपनकु अनुरोध मागुछु किंतु मानसदास किंतु अरेस्ट हो मानसदास सकासे से बोलवा रहिसिंदी काहाकु माननाती दियंकर जाचंगा बोदा गोरो खाई देबे काटिकिरी दियंक ऊपर अईंठा पानी पकेबे गोईठा मारिबे दियंकु आम पूर्व पुरुषरु आम बापा माने ग्राम देवी की पूजा करी आसुंदी आमे भी जन्म होइछु सेटा पूजा करबु सी सेटा को मानिले नाही केबे मानवादी लोक आज्ञा 14 मसीह रे जतले मानवादी संगठन हला आमे सेतरे जोग देलु नै सेमान हमकु कहिले आमे मु थरे थरे मीटिंग जाई छी मता भल लागिला नै ताकर माइक ने सिंदूर लगेबो नै काच पिंधिबो नै बाघर हेले आमर बेदी हबो नै कि डाळ थमंडिया हबो नै ए सब हमकु भल लागिले नै आमे हिंदू धर्म लोक हिंदू रे रहिबु छोट जाति जिते हेले भी आम हिंदू धर्म लोक हिंदू धर्म रही कि आम से पालन करें आईन कि आमको भल लगलानी आम पल जो पलू गाँव में गोटे पार्टी फिल्म होगा सी जो आमको डाकिले आम कहल आम से संगठन को जीवू ना आम तंगर आम देढ़िया देढ़ी चलना देढ़िया देढ़ी चलिकी ये आम गोटे काजु फिल्म पे नागिलु टेंडर आने बोले आम निज मौजा फिल से टेंडर पकेले आम पकलु तर आमर होदिगला आम जो क्या पकलु सी जबरदस्ती क्या पकड़े जबरदस्ती मंदिर कलेक्शन कले आम जिते मना कलु सी कहीं शुणिले तापर थाना को डकैलु थाना भी आसिक मना कला थाना भी कथा सी शुणिले सीठ दिन गंडगोल होगा मुहांमु जिते आम तो छटी लोक सी जेनेल लोक पाँच सतटी आम पटे सी गाँ जाक सब आसिक टेका पथर मरामरी करमक इंजोड करदे भितर लोक गोटे टेका माड़े लोकटी मला तेणु सी प्रसन्न नायक प्रसन्न प्रधान जिते मला मर्डर केसटा आम उपर नदाला आम ये साई भितर को जापरल आम घर दुआर सब लुटिकी नहीं गले सब कंसा बासन आसबाबपत बहुत नहीं गले सब आम साई लोक मानवादी लोक मानसदास लोक सब ना मानसदास साहस दे आण तुम लोक मरी तुम्हें जहाँ कर अत्याचार कले भी किसी आमपाई कि क्षमा ना सेपटे भंड गुरुजी पछरे मिशनारी फंडिंग कम कर सांघातिक अभियोग अभियोग आनी हिंदू जागरण मंच मंचर विभाग संयोजक अभियोग करिछंती मानस दास और संगठन धर्मांतिकरण काम लगी मानस दास को तुरंत गिरफ्त करा जाऊ बोली से दावी करिछंती। स्वामी लक्ष्मणानंद सरस्वती हत्या घटना 12 वर्ष पूरीगला मिललानी न्याय कमिशन को ढाल कर चुप बसिले राज्य सरकार पुणी स्वामीजी आंदोलन तेज प्रथम साधु सत को नहीं आंदोलन तेज प्रत्येक हिंदू को जाग्रत होगा आह्वान कंधमाल जिला जलस्पता आश्रम सांबादिक सम्मेलन करी बर्षिले स्वामी जीवन मुक्तानंद पुरी तेरे 2008 मसीह जलस्पता कन्याश्रम जन्माष्टमी राति आतायती माने निर्मम भाव गुड़ कर 84 वर्षीय स्वामीजी और अनुगामी को हत्या करते आज पूज्य स्वामीजी त्रयोदश श्राद्ध वार्षिकी 12 वर्ष पूर्वे आज दिन पवित्र जन्माष्टमी तिथि किसी दुर्वृत्त मैंने आसी पूज्य स्वामीजी को निर्मम भाव हत्या करते पवित्र जन्माष्टमी तिथि और पूज्य स्वामीजी बलिदान पूज्य स्वामीजी को 9 थर आक्रमण है अष्टम थर दासिंगवाड़ी जो आक्रमण होता सभी जानी पूज्य स्वामीजी को मार दिया सरकार भी जानी आती स्वामीजी को सुरक्षा भी दि जाइए समस्ते जानी सुरक्षा दि जाइला ता पूर्वदिन धमकपूर्ण चिठी आसीला टीवी न्यूज रे चली बिल्कुल ब्रेकिंग न्यूज पूज्य स्वामी लक्ष्मणानंद सरस्वती को हत्यार धमक यहीपरी चली समय 7-10 रु 7-20 भितर
संध्या समय अगस्त 23 जन्माष्टमी तिथि पूज्या स्वामीजी को हत्या कर दिगलार खबर जो आसला आम सब चमत्कृत हो गलु कौन जाणी जाणी स्वामीजी को हत्या कर दिगला। वर्तमान अर्घ सुपरफास्ट समय हो एक छोट ब्रेक ब्रेक परे बुलेटिन को स्वागत आउ दिनक परे विधानसभा मौसुमी अधिवेशन सेप्टेम्बर पहिलारु 9 तारीख पर्यंत चलिबाकु थिबा एहि अधिवेशन रे लागि समस्त प्रस्तुति शेष होईछि। कोविड कटकणा मध्यरे एहि स्वल्प अधिवेशन रे बसथले भी गृह कार्य स्वाभाविक रहिबो। तारका प्रश्न सहित मुलतबी आलोचना भी रहिबो। अधिवेशन संक्षिप्त थिले भी विरोधीक हातरे रहिछि प्रसंगर लंबा तालिका। मुख्यमंत्री नवीन पटनायक को चिट्ठी लिखिले केन्द्र शिक्षामंत्री धर्मेन्द्र प्रधान छात्र छात्री स्नातक शेष सेमिस्टर मार्कशीट शीघ्र देवा चिट्ठी अनुरोध मार्कशीट मिली नथिबारु विश्वविद्यालय नाम लेखाइबारु वंचित होती छात्र छात्री तेणु स्नातक परीक्षा देखा छात्र छात्री को शीघ्र प्रोविजनल मार्कशीट प्रदान करने को चिट्ठी अनुरोध कर धर्मेन्द्र प्रधान। जाजपुर जिला बिंझारपुर ब्लॉक मनरेगा योजन व्यापक महादुर्नीति अभियोग घटना उच्चस्तरीय तदंत केन्द्रमंत्री धर्मेन्द्र प्रधान को भेटिंट बीजेपी महिला मोर्चा सभानेत्री बबिता मल्लिक दुर्नीतिर तदंत केन्द्रीय तदंतकारी संस्था को सुपारिश कले केन्द्रमंत्री। कटक एसीबी बड़ मेडिकल कार्डियोथोरासिक विभाग अधीन पूर्व भारत सर्वबृहत इक्मो यूनिट्रे 24 घंटे दुईज रोगी इक्मो चिकित्सा भर्ती होती गतका राति कटक्र एक घर हस्पिटाल बलांगीर ज्योतिर्मय पंडा 38 वर्षीय महिला भर्ती कर विभाग मुख्य तथा यूनिट हेड प्रोफेसर डाक्टर मनोज पटनायक अधीन चिकित्सा चली ज्योतिर्मय अढ़ई मस तलु कोविड आक्रांत हो प्रथम भुवनेश्वर और पर कटक्र एक घर हस्पिटाल चिकित्सित होते इक्मो चिकित्सार आवश्यकता थिबारु एसीबी इक्मो विभाग में भर्ती कर रोगी स्वास्थ्य अवस्था गुरुतर रही स्वतंत्र डाक्तरी टीम तांकर चिकित्सा करुछन्ति। माताल होई गाड़ी चलाउथले आंबुलांस ड्राइवर लोकंकु धक्का दे खसी पलाउथले केसुरा मंगराज पॉइंट पाखरे गाड़ी को अटकाई ड्राइवर को अटक रखिले स्थानीय लोक परे पुलिस पहुंचे ड्राइवर को शहीदनगर थाना को नहीं जाई आंबुलांस धक्कारे दुई लोक आहत होइतिबा सूचना मिली। मेडिकल परिसररु गच्छ कटाकु नै ग्रामवासीक पक्षरु थाना रे एतला पुरी पिपिली ब्लॉक चंद्रा देईपुर पंचायत अंतर्गत कम्मा कंतिया प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र परिसर रे दीर्घ दिन हेबो एक बड़ गच्छ रहिथिला हेले पंचायत सरपंचक स्वामी एवं मेडिकल रे कार्यरत डाक्टर मिलित भावे गच्छटी को बिक्री करिथिबा कमा कंतिया ग्रामवासी माने अभियोग करिछंती एनी बळंगा थाना रे मध्य लिखित अभियोग करिछंती थानाधिकारी सठिक तदंत करी कार्यानुष्ठान ग्रहण नकले डाक्तरखाना सम्मुखरे धारणा रे चेतावनी देइछंती ग्रामवासी। टीकाकरण केन्द्र में ठेला पेलारे तीन जन आहत गंजाम कविसूर्य नगर गोष्ठी स्वास्थ्य केन्द्र में देखा मिली एभली परिस्थिति टीका नेबा शताधिक लोकों भिड़ देखा मिली लोकने टीका नेबा लगी आसी सामाजिक दूरता को भूली ठेला पेला तीन जन महिला आहत होता देखा मिली अंपटे टीका केन्द्र आगे पुलिस रही भिड़ नियंत्रण कर सुंदरगढ़ जिला हेमगिरी ब्लॉक रो विभिन्न पंचायत चाष जमी बुली देखिछंती बीजेपी टीम सांसद जुएल ओराम विधायिका कुसुम टेटे विधायक भवानी शंकर भुईंक सह अन्य वरिष्ठ बीजेपी नेता स्थिति अनुध्यान करिथिले केन्दुडीही बादी बाहल डुंगरीडीही गर्जन जोर पंचायत रे उत्कट मरुडी परिस्थिति अनुध्यान करिबा सह चासीमानक सह आलोचना करिथिले। अनुगुल जिला छेंडीपदा ब्लॉक रो विभिन्न स्थान रे चाष जमी परिदर्शन करी मरुडी स्थिति परखिथिले बीजेपी स्टैंडिंग कमिटी प्रतिनिधि दल वर्षा नथिबारु छेंडीपदा ब्लॉक रो चाष कार्य अधारे पड़ रही जमी फाटी आ करिछि नुआ समय पड़िथिबा परे तळी सबु नष्ट होइगलानी जे सबु स्थान रे नुआ कार्य सरिथिला सेठारे गच्छ सबु मरिजिबाकु बसिलानी सेपटे बीजेपी स्टैंडिंग कमिटी सदस्य तथा देवगढ़ विधायक सुभाष पाणिग्राही और अन्य नेता माने चासी मानंक सह आलोचना करिछंती।
ସାର ଅଭାବକୁ ନେଇ ତାତିଲେ ଚାଷୀ। ଜାତୀୟ ରାଜପଥ 63 କଲେ ଅବରୋଧ। ଚଳିତ ବର୍ଷ ବର୍ଷାର ଅଭାବ ଯୋଗୁଁ ଚାଷୀ କୁଳ ଆଶା ଓ ଆଶଙ୍କାରେ ଥିବାବେଳେ ୟୁରିଆ ସାରର ଅଭାବ ସମସ୍ୟାକୁ ବହୁଗୁଣିତ କରିଛି। ଠିକ୍ ସମୟରେ ଜମିରେ ସାର ନ ପକାଇଲେ ଫସଲ ନଷ୍ଟ ହେବାର ଭୟ ମଧ୍ୟରେ ଚାଷୀ ରାଜରାସ୍ତାରେ ଓହ୍ଲାଇବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇଛନ୍ତି। ସାର ପାଇଁ ଚାଷୀମାନେ କୋରାପୁଟର କେଲା ନୀଳକଣ୍ଠମ ଚାଉଳ ମିଲ୍ ଓ କୋଟପାଡ ଲେମ୍ପସ୍ଠାରେ ସାର ପାଇବା ଆଶାରେ ଆସିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସାର ନ ମିଳିବା ଯୋଗୁଁ 5000ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ଚାଷୀ ଜାତୀୟ ରାଜପଥ 63କୁ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଯାଏ ଅବରୋଧ କରି ରଖିଥିଲେ। ଆନନ୍ଦପୁର ଉପଖଣ୍ଡ ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟରେ ଅଘଟଣ। ଚିକିତ୍ସାଳୟରେ ମାଇଣ୍ଡର ଓଟି ଛାତରେ ହୋଇଥିଲା ସିଲିଂ ହଠାତ୍ ଖସିପଡ଼ିଛି। ତେବେ ଏକ ନିଶ୍ଚିତ ଦୁର୍ଘଟଣାରୁ ଅଳ୍ପକେ ବର୍ତ୍ତି ଯାଇଛନ୍ତି କର୍ମଚାରୀ ଓ ରୋଗୀ। ତେବେ ଚିକିତ୍ସାଳୟଠାରେ ମରାମତି ନାମରେ ପୂର୍ତ୍ତ ବିଭାଗ ତରଫରୁ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟ ହେଉଥିବା ବେଳେ ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତି ପାଇଁ ନିମ୍ନମାନର କାମକୁ ଦାୟୀ କରିଛନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ। ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲା ଚନ୍ଦ୍ରଗିରି ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଲାଗି ରହିଛି ଅବ୍ୟବସ୍ଥା। ରୋଗୀ ଓ ସମ୍ପର୍କୀୟମାନେ ଜରୁରୀକାଳୀନ ସେବା ନ ପାଇ ହନ୍ତସନ୍ତ ହେଉଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ମେଡିକାଲରେ ଡାକ୍ତରମାନେ ପାଳି କରି ନିଜ ମନ ମୁତାବକ ଆସୁଥିବା ବେଳେ ପରୀକ୍ଷାଗାରରେ ନିୟୋଜିତ କର୍ମଚାରୀ ମଧ୍ୟ ଅଧିକାଂଶ ରହୁନଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଡାକ୍ତରଖାନାର 14 ନମ୍ବର କକ୍ଷରେ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ରୋଗୀଙ୍କୁ ମାଗଣା ସମସ୍ତ ପରୀକ୍ଷା ନିରୀକ୍ଷା କରାଯିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି, ହେଲେ ବିଭାଗର କର୍ମଚାରୀ ଅବହେଳା ଯୋଗୁଁ ଲୋକେ ସୁବିଧାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେଉଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ମୟୂରଭଞ୍ଜ କରଞ୍ଜିଆ ଥାନା କୁଳିପୋଷି ପଞ୍ଚାୟତ କାଦଡିହା ନାଳ ନିକଟରୁ ଜଣେ ଅଜଣା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ମୃତଦେହ ଉଦ୍ଧାର ହୋଇଛି। ଛେଳି ଚରାଇବାକୁ ଆସିଥିବା ବେଳେ କିଛି ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ଦେଖି ପୋଲିସକୁ ଖବର ଦେଇଥିଲେ। ପୋଲିସ ମୃତଦେହ ଉଦ୍ଧାର କରି ଶବ ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ ପାଇଁ ଉପଖଣ୍ଡ ଚିକିତ୍ସାଳୟ କରଞ୍ଜିଆକୁ ପଠାଇ ତଦନ୍ତ କରୁଛି। ବିବାହିତ ମହିଳାଙ୍କ ସନ୍ଦେହଜନକ ମୃତ୍ୟୁ। ଯୌତୁକ ପାଇଁ ନିର୍ଯାତନାର ଶିକାର ହୋଇ ଶେଷରେ ମହିଳା ଆଖି ବୁଜିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ସ୍ୱାମୀ ଶ୍ୱଶୁର ଶାଶୁ ନଣନ୍ଦଙ୍କ ନାଁରେ ଯୌତୁକ ପାଇଁ ନିର୍ଯାତନା ଦେଇଥିବାରୁ ମୃତ ମହିଳାଙ୍କ ବାପା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ମୃତକ ହେଲେ ନୀଳଗିରି ଉପଖଣ୍ଡ ଅଧୀନ କଳାକାଦ ଅଞ୍ଚଳର ସୁଦର୍ଶନ ଦାସଙ୍କ ଝିଅ ସୁନନ୍ଦିତା ନାୟକ। ମହିଳାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଘର ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ଉଦଳା ଅଞ୍ଚଳରେ। ପୋଲିସ ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ଯାଜପୁର ମଙ୍ଗଳପୁର ଥାନା ଇସା ମାଇଲପୁର ଅଚଳ ଓରଫ ସୁବାସ କୁଅଁର ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ଘଟଣାରେ ଆଉ 2 ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କଲା ପୋଲିସ। ଗିରଫ ଯୁବକ ହେଲେ ଅଜୟ ସାମଲ ଓ କୃଷ୍ଣ ସେଠୀ। ଯାଜପୁର ଏସ୍ପି ରାହୁଲ ପିଆର ଦେଲେ ସୂଚନା, ଗତ ଜୁଲାଇ 19 ତାରିଖରେ ହୋଇଥିଲା ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ। ପୂର୍ବରୁ ଏହି ହତ୍ୟା ଘଟଣାରେ ଅଟକ ପତ୍ନୀ ମମତା କୁଅଁର ଗିରଫ ହୋଇ ଜେଲ୍ରେ ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏହି ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡରେ ଅନ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କ ସମ୍ପୃକ୍ତି ଥିବା ମୃତକଙ୍କ ପରିବାର ପକ୍ଷରୁ ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଥିଲା। ସେ ଡିସିଷ୍ଟ ଯେ ମାରିଲେ ତାଙ୍କର ପତ୍ନୀ, ତାଙ୍କୁ ଆରେଷ୍ଟ କରିକି ଇମିଡ଼ିଏଟଲି ଫରୱାର୍ଡ଼ କରାଗଲା। ଫର୍ଦର ଇନ୍ଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ରେ ଆଉ 2 ଜଣଙ୍କର ଇନ୍ଭଲ୍ଭମେଣ୍ଟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲା। ସେମାନଙ୍କର ଇନ୍ଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ କରିକି ତାଙ୍କର ଇଣ୍ଟରୋଗେସନ୍ ପରେ ସେମାନଙ୍କୁ ବି ଆଜି ଫରୱାର୍ଡ଼ କରାହେଉଛି, ଆଉ ଫର୍ଦର ଇନ୍ଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ ଚାଲିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଅର୍ଗ ସୁପରଫାଷ୍ଟ ସମୟ ହୋଇଛି ଆଉ ଏକ ବ୍ରେକ୍ର। ବ୍ରେକ୍ ପରେ ବୁଲେଟିନକୁ ସ୍ୱାଗତ। ପୁଣି ଖଟିଆରେ ବୁହାଲେ ଗର୍ଭବତୀ। ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲା ସୁକିନ୍ଦା ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ କଂସ ପଞ୍ଚାୟତର ସାରୁଆ ବିଲ ଗ୍ରାମରେ ଆଜି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଏମିତି ଦୃଶ୍ୟ। ଗାଁର ଶଙ୍କର ମୁଣ୍ଡାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ଟୁନି ମୁଣ୍ଡା ପ୍ରସବ ଜନିତ ବେଦନା ପାଇଥିଲେ। ସୁକିନ୍ଦା ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକେନ୍ଦ୍ର ଯିବା ପାଇଁ ଜନନୀ ସୁରକ୍ଷା ଗାଡ଼ି ଡକାଇଥିଲେ, ହେଲେ ରାସ୍ତାର ଅବସ୍ଥା ଏପରି ଥିଲା ଗାଁକୁ ଗାଡ଼ି ଯାଇପାରିନଥିଲା, ଫଳରେ ଗ୍ରାମବାସୀ ଏକ ଖଟିଆ ସାହାଯ୍ୟରେ ମହିଳାଙ୍କୁ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୋହି ଆଣିବା ପରେ ମେଡିକାଲକୁ ପଠାଯାଇଥିଲା। କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲା ଦାରିଙ୍ଗିବାଡ଼ି ଥାନା ଆମ୍ଭଖଳିଆ ଘାଟି ନିକଟରୁ ଗୋଟିଏ ବାଇକ୍ ସହ 25 କିଲୋ 500 ଗ୍ରାମ ଗଞ୍ଜେଇ ଜବତ ହୋଇଛି। ଘଟଣାରେ ଜଣେ ଗିରଫ ହୋଇଛି। ଜବତ ଗଞ୍ଜେଇର ଆନୁମାନିକ ମୂଲ୍ୟ ପ୍ରାୟ 1.5 ଲକ୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ହେବ। ଗିରଫ ଜଣକ ହେଲେ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ପାଟପୁର ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ କାଉଡ଼ିଆ ଗ୍ରାମର ଅଜିତ କୁମାର ଦଳେଇ। ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ରମ୍ଭା ଥାନାର ନୂତନ କୋଠାକୁ ପୋଲିସ ଡିଜି ଅଭୟ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବେ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଉଦ୍ଘାଟନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଦକ୍ଷିଣାଞ୍ଚଳ ଡିଆଇଜି ସତ୍ୟବ୍ରତ ଭୋଇ, ଗଞ୍ଜାମ ଏସ୍ପି ବ୍ରିଜେଶ କୁମାର ରାୟ, ଛତ୍ରପୁର ଏସ୍ଡିପି ଓ ଗୌତମ କିଶନ
छत्रपुर विधायक सुभाष चंद्र बेहरा प्रमुख उपस्थित थिले। एही अवसर गंजाम पुलिस काम को प्रशंसा करथिले पुलिस डीजी। ए नुआ बिल्डिंग हेला परे ए रंभा पुलिस स्टेशन रे जे कार्य अछि से आउट भलो हे पारिबो। मु आजि गोटे आउर कथा जनाइबा को चाहूछि। हमरो आपा माने जानि छथि 15 दिन पूर्व गोटे स्पेशल ड्राइव हेथिला नॉन अवेलेबल वनंत एग्जीक्यूट करबा पय जगार कांस्टेंट थिला आ पुरना ओल्ड बिल्डिंग रे चलथिला। वर्तमान हमर स्टाफ को पय किबा जो पब्लिक आछथि तांको पय भी बहुत सुविधा हबो, कारण इंटीग्रेटेड ये जो आम रिसेप्शन रूम अच्छी महिला एवं शिशु डेस्क अच्छी। मुझे आशा करुच्ची जो रंभा पुलिस स्टेशन लोक बेटर सर्विस जोगे पार। नयगढ़ चंदपुर में मॉडल थाना उद्घाटित अत्याधुनिक व्यवस्था सह स्वतंत्र अभियोग प्रकोष्ठ। मॉडल थाना राज्यर तृतीय सर्वबृहत टेक्नोलोजी संपूर्ण थाना बोली मत रखिंट स्थानीय सांसद पिनाकी मिश्र। अंपक्ष आज उद्घाटन उत्सव में रणपुर विधायक सत्यनारायण प्रधान, नयगढ़ एसपी सिद्धार्थ कटारिया प्रमुख अतिथि भाव जोगद। साप कामुड़ा जनित मृत्यु दिनक दिन बढ़िवे लगी। चिकित्सा अधिक सरल सुविधा करने भुवनेश्वर एम्स पक्षर् स्नेक हेल्पलाइन आप और वेबसाइट सेवा आरंभ हो। उद्घाटनी उत्सव में एम्सर सभापति प्रोफेसर डाक्टर सुब्रत कुमार आचार्य, एम्सर निर्देशिका डाक्टर गीतांजलि और स्नेक हेल्पलाइन साधारण संपादक शुभेन्दु मल्लिक प्रमुख जोग देते। As we know, there are many people who get bitten by snakes, some of them poisonous, some of them not, but the suffering is there, and the anxiety that everyone feels when they are bitten by a snake, not knowing whether it is poisonous or not, and sometimes, you know, because of the myths surrounding it, they are not being treated properly in the periphery, in their villages, and then when they come here, it is sometimes too late also. So I am very happy that this is an app which will bridge that kind of information gap which is there in Odisha today, and because it is there in the vernacular also, so people will be able to read. If they cannot read English, they can still read the Odia version, and so I am very happy that this app has been launched. मदमुक्त समाज गठन पर क्षुद्र चलचित्र माध्यम रे समाज रे मद को वर्जन करने पर एक शॉर्ट फिल्म निर्माण करिसेंती डाक्टर राजकिशोर पंडा। ओडिशा रे मद एक व्याधि भावे मानव समाज को ग्रास करुवा बेले यार कुप्रभाव परिवार को एक माठिया परी भांगी देउची। तबे चलचित्र रे किपरि समाज रु मदमुक्त करा जाय एक सुस्थ समाज गठन करा जाय परिबो ताहा एठारे देखा जायछि। भुवनेश्वर मंचेश्वर स्थित प्रभुजी इंग्राजी मीडियम स्कूल रे विश्व हिंदू परिषद संगठन प्रतिष्ठा दिवस पालन करिछि। स्वामी लक्ष्मणानंद सरस्वती बलिदान दिवस को पालन करा जायछि। एही कार्यक्रम रे सबु संत समाज एकाठी होइथिले। पवित्र जन्माष्टमी के दिन विश्व हिंदू परिषद की स्थापना हुई थी। इसका उद्देश्य भारत के अंदर रहने वाले और भारत के बाहर दुनिया के अनेक देशों में जहाँ जहाँ हिंदू रहता है वो सभी हिंदू समाज का संगठन करना। बॉम्बे शांतिपन आश्रम प्रथम विश्व हिंदू परिषद स्थापना होता। आज तरह स्थापना दिवस एवं आज ये पवित्र दिन में आम परम पूज्य ब्रह्मलीन स्वामी लक्ष्मण सरस्वती को हत्या होता, तो से आज दिन को विश्व हिंदू परिषद बलिदान दिवस भाव में विश्व हिंदू परिषद स्थापना दिवस हिसाब से आपको पालन कर। वर्तमान अर्ग सुपरफास्ट समय सरी विदाय दिंतु। नमस्कार।